नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आपका आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 2 मई 2024 दिन गुरुवार है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की ग्रह स्थिति कैसी है। मित्रों, आज सूर्य तथा शुक्र मेष राशि में है, गुरु वृषभ राशि में है, केतु कन्या राशि में है, चंद्र मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और बुध राहु व मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र धनिष्ठा है, तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी है, करण तैतिल है, योग शुक्ल है, सूर्य गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल रहेगा दोपहर के 2:01 से 3:39 तक। राहु काल में हमें कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:47 से 1:11 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेने की अभिलाषा हो। दिशाशूल दक्षिण की तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ यात्रा करने से बचें। अगर मजबूरी है दक्षिण की तरफ यात्रा करनी ही है तो जी रखाएं और लंबी दूरी की यात्रा प्रारंभ कर दें। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज आपका कामकाज अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस के चांसेस मिलेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको सहयोग प्राप्त होगा, मान सम्मान भी मिलेगा। आप अगर एलिजिबल हैं तो ये प्रमोशन का समय चल रहा है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई हायर पोजीशन मिल सकती है। बिजनेस आप करते हैं तो आपका बिजनेस इंप्रूव होगा, आप जॉब करते हैं तो आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रशंसा होगी। इसके अलावा आपके जो कामकाज का दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, आपका जो नेम एंड फेम है वो बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंप्रूव होंगी। बहुत दिन से आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, जैसे जॉब कर रहे हैं तो साथ में सोच रहे थे कोई बिजनेस शुरू कर दें, तो अभी वो बिल्कुल सही समय है, शुरू कर दें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है। वृषभ राशि, कामकाज बिजनेस जॉब थोड़ा सा स्लो होगा, मेहनत तो बहुत की जाएगी लेकिन परिणाम हो सकता है या तो तुरंत ना मिले या कम भी मिल सकते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं बैठें तो अच्छा रहेगा, परिश्रम करते रहें, भले ही परिश्रम के उसी रेशो में सकारात्मक परिणाम ना मिलें लेकिन भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो लॉस हो सकता है। धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में मन लगाएं, ईश्वर भक्ति में मन लगाएं, गुरु से मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पिता के ही समान किसी व्यक्ति के साथ या अपने बॉस के साथ आपका कुछ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, इसको आपको टालने की कोशिश करनी चाहिए। दान पुण्य जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। इसके अलावा आपको आलस्य का भी आज त्याग करना चाहिए, आलस्य की वजह से आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम आज छूट सकते हैं। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है, इसको और अनुकूल अगर आपको बनाना है तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आज आपका थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या इसी तरह की कोई बीमारी है जिससे आपको लंबे समय तक आप जूझ रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा हो सकता है। छोटे मोटे सीजनल रोग भी आपको बिना बात के परेशान कर सकता है। अगर आप टूरिंग जॉब में हैं तो हो सकता है ना चाहते हुए भी आपको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े। आप जब भी टूर में रहेंगे आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और वाहन भी सावधानी से चलाना है जिससे दुर्घटना से या चोट चपेट से बचा जा सके। आपके जो इन-लॉज हैं वो आपसे कुछ इंटरेक्शन आज कर सकते हैं जो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप घर पे या वर्कप्लेस पर किसी तरह की विवाद वाली स्थिति से दूर रहें, अन्यथा बात का वतंगड़ बहुत जल्दी बन सकता है। तनाव थोड़ा सा आज मन पर रहेगा, इससे आप अपने कार्यकलापों पर हावी ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको नकारात्मक विचार जो हैं उनसे दूरी बना करके रखनी होगी। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। कर्क राशि, कुछ नए नए लोगों के साथ संपर्क होगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे। आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में, भोग विलास में आज का दिन बीत सकता है। कुछ नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लाइफ में लव और हारमोनी जो है वो बनी रहेगी। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इंप्रूव होगा, आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इनकम आपकी आज बढ़ेगी,
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग क्रीम है। सिंह राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे काम जो हैं वो बन रहे हैं, आपके रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे हैं, आपको छोटे मोटे रोगों से मुक्ति मिल रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। बिना बात का कोई भी डर आपके मन में ना आने दें, क्योंकि इसकी वजह से आपको अपना कार्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न होगी। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आपका कोई झगड़ा था, कोई मुकदमा था, तो उसमें आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। फैमिली लाइफ आपकी पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी। प्रेम संबंध में आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा मर्यादित व्यवहार जो है वो बनाए रखें। जॉब आप करते हैं तो आपका जॉब फ्रेंड भी अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 1 है और शुभ रंग आपके लिए है नारंगी। कन्या राशि, आपको थोड़ी सी परेशानियां आज बढ़ सकती हैं। आपको डिसीजन मेकिंग में समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको प्रत्येक समस्या के कई हल समझ में आएंगे। आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है आपको शायद समझ में ना आए। आप किसी जानकार की सलाह लें, उसके बाद आपको किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन भटकेगा। आपको कोशिश करना है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें। वर्क प्लेस पर बहुत सारा काम एक साथ पकड़ लेंगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा। एक एक करके अपने कार्यों को पूरा करें, अपने किसी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, तब पूरा करें। आप अगर सिंगिंग में, डांसिंग में या स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आप नई नौकरी की तलाश में थे तो आपको किसी मित्र की मदद से कोई ऑफर प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। आप स्पेकुलेशन के किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचें। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और फॉर्मल तथा इनफॉर्मल मीटिंग में आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। इसको और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। तुला राशि, कामकाज में रुकावटें आ रही हैं। आपको इन रुकावटों को एक एक करके दूर करना चाहिए, अन्यथा शाम तक आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी का कारण ये बन सकते हैं। माता के आशीर्वाद की आज जरूरत पड़ेगी। माता के साथ अपने संबंध ठीक रखें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे या कोई ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे थे तो आप देखें, पसंद करें, लेकिन कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें। इन्वेस्टमेंट अभी कुछ करेंगे तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, या आप किसी धोखे का शिकार भी हो सकते हो। जोखिम के किसी भी कार्य से आपको बचना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें और वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी। आप अपने सभी शत्रुओं का सामना कर पाएंगे। पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा। भाई बहन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधी, पड़ोसी सभी आपकी मदद करेंगे। पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। लाइफ में पीस और हार्मनी बनी रहेगी। संबंधों में सुधार आएगी। सेहत भी अच्छी होगी आपको। लेकिन अगर कोई सांस से संबंधित समस्या है तो थोड़े ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बना करके रखिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गेरुआ है। धनुराशि, कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आज पूरे दिन साथ में लगी रहेंगी। पैसे की विशेष रूप से चिंता हो सकती है। आप अपना पैसा कहीं फंसा सकते हैं। परिवार की सुने, दोस्तों की सुने तो आपको लॉस नहीं होगा। वर्क प्लेस पर कुछ कोऑपरेशन आपको कम मिल सकता है। इसको लेकर किसी के साथ विवाद में ना पड़ें। ENT के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें। किसी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात आप ना करें। प्रेमीजनों को सलाह दी जाती है कि आपस में बातचीत करते समय कुछ भी ऐसी बात ना करें जिससे गलतफहमियां पैदा हों। सोशल लाइफ थोड़ी सी डल रह सकती है। ये एक दो दिन का फेज है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो मंदिर में पीले फलों का दान करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। मकर राशि, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आपका बहुत सारा समय किसी ऐसे कार्य पर खर्च हो सकता है जो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ या स्वयं अकेले करते हुए बहुत हर्ष महसूस करते हैं। आप अपने लिए कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु खरीद सकते हैं। आप परिवार के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं। मौज मस्ती, सैर सपाटा कर सकते हैं। आत्मबल आपका बढ़ेगा, पैसे का फ्लो अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा रहेगा। छोटा मोटा सीजनल रोग है उससे मुक्ति मिल जाएगी। आप प्रत्येक कार्य में बुद्धि का प्रयोग करिए, देखिए आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मानसिक शांति रहेगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है।
कुंभ राशि, आप आज कोशिश करें कि बिना बात के किसी चिंता या तनाव का शिकार ना हो। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी चिंता रह सकती है। आपको कोशिश करना है कि इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तनावपूर्ण स्थितियों से दूरी रखनी है। आपके एनिमीज अपोनेंट्स आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको उनसे बच करके रहना है। सरदर्द हो सकता है, आंखों में कुछ परेशानी हो सकती है, परेशानी बढ़ जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। ठीक से नींद लें, अगर नींद ठीक से नहीं लेंगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। जीवन साथी के साथ बिना वजह के तूतू मैमे से बचें, अन्यथा आपके साथ उनका अच्छा खासा विवाद हो जाएगा और आपके लिए बड़े संताप का कारण बन सकता है। शांत रहकर इस तरह की परिस्थितियों को टालने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। मीन राशि, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपको इनकम के और नए सोर्सेज मिलेंगे, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। आपने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने कोई मकान खरीदा था, कोई ज़मीन खरीदी थी, उसकी वैल्यू में भी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। आप कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं या कोई ज़मीन और भी खरीद सकते हैं। आप कुछ गोल्ड भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज से आपको लाभ होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स, काम साथ में काम करने वाले लोग, आपके बॉसेज, सभी आपकी मदद करेंगे। बिजनेस में भी प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। परिवार का, दोस्तों का सहयोग मिलता रहेगा। विचारों में आपकी स्थिरता आएगी। आप अपनी परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगी। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।